हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो जिसका था आप सबको इंतजार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड मॉडल नंबर 3100 के बारे में। ये आपको ऑनलाइन कई सारे ब्रांड्स नेम के अंदर मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली प्रोडक्ट जो आता है वो सेम आता है, वो ये आता है आपके पास। और इस डब्बे पे जो है किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ है। और ये ट्राइपॉड स्टैंड बेसिकली उन नए यूट्यूबर्स के लिए है जिन्होंने अभी तुरंत अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, तो सस्ते में आप अगर लेना चाहें तो ये ट्राइपॉड स्टैंड मुझे मिला था 300 रुपये का, लेकिन अभी ये मैंने ऑनलाइन देखा था लमसम 400 रुपये का है। मैंने ऑफर के अंडर लिया था तो मुझे ये 300 का मिल गया था, फिर भी ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। इवन 400 to 500 में भी अगर आपको मिलता है तो इसके जो फीचर्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। तो आप ले सकते हैं इस ट्राइपॉड स्टैंड को। और अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप अगर वैसे वीडियोस बनाते हैं मोबाइल को कहीं पे टिका करके तो वो उतने अच्छे वीडियोस नहीं बन पाते, तो ये मोबाइल ट्राइपॉड स्टैंड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इवन अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो इस ट्राइपॉड स्टैंड के साथ कर सकते हैं, एक्सपोजर बढ़ा के या फिर टाइमिंग को भी बढ़ा करके। अगर नाइट स्काई की फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं या फिर ऐसे भी आउटडोर्स में कहीं फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं उसके लिए भी ट्राइपॉड स्टैंड बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। पेटीएम के तरफ से जो है इसकी पैकेजिंग तो सही तरीके से करके भेजी थी उन लोगों ने, वही है कि कुछ प्रोटेक्टिव जो बबल रैप होता है वो तो इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला, पर कार्टून थोड़ा सा क्रश हो गया था इसका, पर अंदर का प्रोडक्ट जो है वो सही कंडीशन में ही था तो इसलिए कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। और वैसे भी आप रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको ये डैमेज कंडीशन में मिलता है तो इसलिए मुझे उस तरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर भी इसकी पैकेजिंग भी आप लोग देख ही सकते हैं, उन्होंने करके भेजी है कुछ इस तरीके से। और अंदर से इस तरह का कार्टून बॉक्स निकला, इस पर लिखा हुआ है 3100। और हाँ, इसके साथ आपको एक कैरी बैग भी मिल जाता है ब्लैक कलर का। इसकी क्वालिटी भी ओवरऑल ठीक ही है, कुछ बहुत ही हाई लेवल का नहीं था यह बैग, पर फिर भी इतने में इतना ही मिलेगा। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी बस इसके अंदर। अब मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। ये दिखता है अंदर से कुछ ऐसा, तो इसमें तीन जगह पे इसे मूव करने के लिए स्क्रूज लगे हुए हैं। तो सबसे पहले है ये वाला स्क्रू जिससे ये आपका इलोंगेट हो सकता है, तो इसे आप इलोंगेट करके इस तरह टाइट कर लें। और फिर उसके बाद है ये वाला स्क्रू जिससे ये इस तरह से मूव करता है, इसे भी आप टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर है इंडिकेटर जो कि बताएगा कि ये आपका स्टैंड जो है आपके मोबाइल डिवाइस को सीधा रखने में, बिल्कुल ही सही तरीके से प्लेस करने में आपको हेल्प करेगा ये इंडिकेटर। और ये जो स्क्रू है इसमें आपका ये जो है मोबाइल होल्डर ये आपका लग जाएगा। इसके नीचे एक छोटा सा स्क्रू है जिसे पकड़ के आप इसे फिर टाइट कर सकते हैं, जैसे मैं इसे टाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से टाइट हो जाता है। और फिर उसके बाद है ये एक और स्क्रू जो कि आपको ऐसे इस तरीके से इसे रोटेट करने में हेल्प करता है, और इसे आप टाइट कर सकते हैं किसी तरह, फिक्स करके किसी जगह टाइट भी कर सकते हैं और इसे आप अगर खोल दें तो रोटेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आती हैं इसके एक्सटेंशंस जो कि हैं ये सारी, तीन जगह पे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं आपको इसमें, तो इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं 41 इंचेस तक ये इलोंगेट हो जाता है, देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से। और ये तीसरा वाला, और इसकी पूरी बॉडी जो है एल्यूमिनियम की बनी है और ये फाइबर का बना है, ये सारी चीज़ें भी फाइबर की हैं। और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी फील होती है, इस प्राइस पॉइंट के लिए इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
क्योंकि मैंने इसे 300 रुपये में लिया, इवन 400 में भी अगर आप लेते हैं तो उसके लिए मार्केट में आपको इससे बेटर कोई ट्राइपॉड स्टैंड मिलेगा नहीं। अब जैसे ये मैंने इसे फुल्ली एक्सटेंड कर लिया, तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा लगा के। आपने इस तरह इसे खड़ा कर लिया, ये आपका खड़ा हो गया ये, और उसके बाद आप इसमें अपने मोबाइल डिवाइस को लगा सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अब जो है अगर आप इसे टर्न करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से एक जगह टर्न कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे टर्न कर सकते हैं इस स्क्रू से, और ये एक और जो स्क्रू है इससे आप इसे अगर ढीला कर दें तो आप इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और आप एक जगह पे इसे फिक्स भी कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको इस ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें आप DSLR माउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन आप इसमें DSLR माउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वेट उतना नहीं है और ये उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन बेसिकली नए यूट्यूबर्स तो मोबाइल से ही अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है मोबाइल माउंट होने के बाद, और अगर आपको इससे कैसे नाइट स्काई फोटोग्राफी करनी है, अगर आपको ये भी सीखना है तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर पसंद आई हो आपको ये वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार इन सब नया अवतार। गुड बाय गाइस।